मिलिए ऐसी फीमेल बाउंसर से जो यूथ के लिए मिसाल बन गई है। हौज खास के एक नामी पब में अपने दोस्तों के साथ हंसती मुस्कुराती इस लड़की को देखकर लोगों को अक्सर ये गलत फहमी हो जाती है कि ये भी यहाँ हमउम्र लड़कियों की तरह मौज मस्ती करने आई होगी, पर गहरे काजल से सजी आंखें बंधे हुए हाथ और डांस पब में मौजूद लोगों पर टिकी नजरें उसके असली पेशे की चुगली कर ही देती हैं। दरअसल खूबसूरत सी दिखने वाली 30 साल की मेहरुन निशा एक मशहूर फीमेल बाउंसर हैं। इनका पेशा पब में आने वाले लड़के लड़कियों को बहकने से रोकना है। मेहरुन निशा यूं तो पिछले 10 सालों से इस पेशे के हिस्सा हैं, पर हौज खास के एक प्रसिद्ध नाइट क्लब सोशल में वो पिछले 3 साल से काम कर रही हैं और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वो बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के साथ काम कर चुकी हैं। वो बताती हैं, बॉलीवुड स्टार्स हों या कोई आम लड़की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और मैं जी जान लगा देती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे डर नहीं लगता, तो मैं कहती हूँ मुझसे दूसरे डरते हैं। हौज खास स्थित सोशल के जनरल मैनेजर अनुराग कहते हैं, मेहरुन निशा किसी पुरुष से पीछे नहीं है। वो हर मुश्किल हालात का सामना पूरी हिम्मत से करती है और उसका खुशमिजाज चेहरा लोगों को सहज कर देता है। उसने साबित कर दिया है कि लड़कियां कोई भी काम कर सकती हैं। दिल्ली से 200 किमी दूर सहारनपुर के एक बड़े मुस्लिम परिवार में जन्मी मेहरुन निशा आर्मी में जाना चाहती थी या पुलिस फोर्स का हिस्सा बनना चाहती थी, पर उसके पिता को ये मंजूर न था। वो उसे पढ़ने से रोकते थे और चाहते थे कि उसकी शादी जल्दी कर दी जाए। स्टॉक मार्केट में सब कुछ बनवाने के बाद ये परिवार दिल्ली आ गया और पिता की गिरती सेहत के चलते घर चलाने की जिम्मेदारी मेहरुन निशा के कंधों पर आ गई। दिल्ली आने पर हालात ऐसे हुए कि वो बाउंसर बन गई। धीरे धीरे परिवार ने भी उनके इस पेशे को अपना लिया। अब मेहरुन निशा नाइट क्लब की रात की 10 घंटों की शिफ्ट के बाद दिन में मूलचंद स्थित जापान फाउंडेशन में 8 घंटे नौकरी करती हैं। यहाँ पर वो लाइब्रेरी की सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। यहाँ काम करने वाली अदिति के अनुसार मेहरुन निशा समाज के लिए एक मिसाल है।